मंदिर है ना। माता की पूजा के लिए आये हो? हाँ, नई नई वाले आये ना मूर्ति सुरकंडा के स्थापना हो रही। जय माता की। थैंक यू। बंगला मैदान देहरादून जिले में सनगांव ग्राम पंचायत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहाँ जगत जननी माँ सुरकंडा की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस धार्मिक समारोह का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में ढोल की थाप पर माँ सुरकंडा के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु माता की भक्ति में मगन है। मंदिर परिसर में हवन पूजन हो रहा है। ओम ऐं ग्रीं लिंग चामुंडाय विच्चै नमः। अग्निं मार्जयामः। ओं तर्पयामः। ओम ऐं ग्रीं चामुंडाय विच्चै नमः। अग्निं मार्जयामः। तर्पयामः। तर्पयामः। पावयामः। अग्निं मार्जयामः। पावयामः। ओम अग्निं मार्जयामः। पावयामः। ओम अग्निं मार्जयामः। पावयामः। शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे देव। ओम मात्रा युखं जमदग्ने कश्यपस्तत्रा युखं मा जन्ते आसपास के साथ दूर दूर से भी बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं युवा बच्चे माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। चलो तो चलते भाई जी थोड़ा सा आगे ना।
क्या। थाल कुठार गांव के एक निवासियों ने मां सुरकंडा के नए मंदिर का निर्माण कराया है। यहां एक और मंदिर है जहां वर्षों से माता की पूजा अर्चना की जाती रही है। सन 38 से पहले यहाँ पे मैदान बंगले के नाम से था। यहाँ पे बंगला था उनका, अंग्रेजों का, यहीं पे था वो। और उस यहाँ पे टेलीफोन की लाइन भी थी उस समय, लच्छी वाले से यहाँ तक टेलीफोन अंग्रेजों का था ही। और ये था वन विभाग का के अंडर में था। यहाँ का विकास नहीं हो पाया। आज आने वाले समय में यहाँ पे बढ़िया पर्यटक स्थल बनेगा और रमणीक स्थल है। यहाँ कद्दू खालम जाते हैं सुरकंडा देवी के पास, उसी प्रकार का ये भी भव्य स्थान है यहाँ पे। और ये तो यहाँ पे बहुत अनेक पर्यटक बाहर विदेश से भी यहाँ पे आए। थाल कुठार गांव की माता सुरकंडा देवी मंदिर समिति के अनुसार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ 1 मार्च से हो गया था। आज 3 मार्च को विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ सुरकंडा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये सुरकंडा भगवती और नागराजा कमल नागराजा कमल, तो लोग सुरकंडा भी जाते हैं, यहाँ भी आना क्योंकि